अभी हम देवघर के पर्यटक स्थल त्रिकुट पहाड़ के पास हैं, जहां पे सैलानियों व पर्यटकों का आगमन शुरू हो चुका है। हम दिखाना चाहेंगे, यह है त्रिकुट पहाड़। देवघर का काफी मनोरंजक और काफी खूबसूरत स्थल है यह, और सैलानियों का आगमन आप देख सकते हैं, काफी संख्या में सैलानी लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और सभी पर्यटक स्थल त्रिकुट पहाड़ में घूम रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे, यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं। यहाँ क्या आप लोग त्रिकुट पहाड़ घूमने के लिए आए हैं आप लोग? हाँ। कैसा लगा? बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत मजा आया घूम के। क्या क्या देखे हुए आप? क्या क्या देखे? पहाड़ गए पूरा, फिर ज्यादा नंकी देखे वहाँ पे जाके। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में यहाँ पे सभी पर्यटक आ रहे हैं, और यहाँ पे एक महिला है, इनसे भी जान देंगे कि कहाँ पे घूमने के लिए आई है। त्रिकुट घाट पहाड़ लगा अच्छा लगा है। क्या क्या घूमे? उस मंदिर देखे हैं, काली जी का, पार्वती जी का, गणेश जी का देखे। और क्या कुछ नजारा है, किस तरह से पर्यटक आ रहे हैं, आगे भी लेके चलते हैं हम। अब यहाँ से पर्यटक स्थल जो त्रिकुट पहाड़ है, यहाँ से उसकी सीढ़ियाँ शुरू होती है। यहाँ आप देख सकते हैं काफी संख्या में सैलानी यहाँ पहुंच रहे हैं और त्रिकुट पहाड़ का नजारा ले रहे हैं। यहाँ कुछ पर्यटक हैं जो हम इनसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं दूर दराज से लोग यहाँ पे त्रिकुट पहाड़ देखने आते हैं। जो भी बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर आते हैं, वो जाहिर सी बात है देवघर के पर्यटक स्थल त्रिकुट पहाड़ जरूर आते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, कहाँ से आए हैं, त्रिकुट पहाड़ घूमने में कैसा लगा, क्या क्या? हम लोग बाबा वैद्यनाथ धाम त्रिकुट पर्वत घूमने इलाहाबाद प्रयागराज से आए हैं। प्रयागराज के मुख्य निवासी हैं, और यहाँ देखने में मुझे प्राकृतिक चीज बहुत अच्छी लगी, जो यहाँ पर आश्रम है। आश्रम में जो दयानंद जी यहाँ पर तपस्या किए हुए थे, और पर्वत है, पर्वत जो त्रिकुट काफी दूर से दिखाई देता है। तीनों पर्वत जब देखने में उसका सुनहरा दृश्य बिल्कुल दिखाई पड़ता है। प्राकृतिक मान सकते हैं कि हम लोग यहाँ प्रकृति के रूप में बिल्कुल जी रहे हैं। हम लोग ऐसा लगता है यहाँ पर त्रिकुट पर्वत पर जो झरना है, झरने का जो पानी आ रहा है, जल आ रहा है, उसके पीने से लगता है कि आत्मा तृप्त हो गई, ऐसा जल कभी मिला ही नहीं है। और पर्यटक हैं जो जानते हैं, कैसा लगा आपको त्रिकुट पहाड़? त्रिकुट पर्वत पर आने का अनुभव बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे कुछ अन्य लोगों से भी हम बात करेंगे। जी बताइए, कहाँ से आए आप? हम हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से? हाँ जी। तो त्रिकुट पहाड़ कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। क्या क्या घूमे यहाँ? यहाँ सारे मंदिर देखे, सारे घूमे, बढ़िया लगा। तो निश्चित तौर पर काफी संख्या में पर्यटकों का आगमन शुरू हो चुका है, दूर दराज से लोग आए। यहाँ पे देखिए बंदर का जरूर नजारा दिख जाएगा। अभी यहाँ लोग आते हैं घूमने के लिए, इनको जरूर कुछ ना कुछ खिलाते हैं, तो काफी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। और बंदरों का आप नजारा देख सकते हैं, कितना विहंगम और खूबसूरत। यहाँ छोटे छोटे बंदर से लेकर बड़े बंदर, सभी तरह का नजारा यहाँ दिख जाएगा। और यहाँ पर्यटक भी देखिए काफी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर त्रिकुट पहाड़ की बात करें तो काफी अच्छा है। यहाँ पे कुछ लोगों से भी बात करेंगे, कैसा लगा यहाँ? अच्छा लगा, घूमने वाला अच्छा जगह है, प्राकृतिक दृश्य अच्छा लगता है। क्या क्या देखे यहाँ? हम लोग ऊपर तक गए गुफा, लेकिन लिफ्ट बंद है, इसके चारों ऊपर तक नहीं जा पाए। जो भी लोग यहाँ त्रिकुट पहाड़ आते हैं, मंदिर का भी दर्शन जरूर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पर्यटक का आगमन शुरू हो गया है, काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, और पर्यटक त्रिकुट पहाड़ के जो भी मंदिर है ये दर्शन कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी संख्या में पर्यटक स्थल पर यहाँ त्रिकुट पहाड़ पर लोग आ रहे हैं और मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे माँ पार्वती और शिव का मंदिर है त्रिकुट पहाड़ में, जहाँ दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं। एक पर्यटक यहाँ पे है, जानते हैं कि किस तरह से कैसा लगा यहाँ का पर्यटक स्थल त्रिकुट पहाड़ घूमने आए। कहाँ से आए आप लोग और क्या क्या नजारा देखा? हम लोग बिहार से आए हैं, बाबा देवघर में जो है जल अर्पण किए हैं, इसके बाद यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, त्रिकुट पर्वत घूमने के लिए आए हैं। अच्छा लग रहा है। क्या क्या देखने को मिला है यहाँ पे? तो अभी आए हैं तो जस्ट मंदिर दर्शन किए हैं, इसके बाद आगे फिर जाएंगे। शिव भगवान मंदिर है, बंदर है काफी सारे, परेशान करते, कुछ खाने को दे दो तो फिर नहीं करते हैं परेशान, बस यही। तो निश्चित तौर पर त्रिकुट पहाड़ प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नजारा सैलानियों को काफी पसंद और आकर्षित कर रहा है। यहाँ पे सैलानियों और पर्यटकों का आगमन लगभग शुरू हो चुका है, काफी संख्या में सैलानी यहाँ पहुंच रहे हैं और त्रिकुट पहाड़ का प्राकृतिक छटाओं का आनंद ले रहे हैं। कैमरा पर्सन विनय देव के साथ रंजीत कुमार, समाचार प्लस, देवघर।